लेकिन असली समस्या वैक्सीन को लेकर है, वैक्सीनेशन को लेकर है, क्योंकि वैक्सीन की कमी की वजह से दिल्ली में 17 केंद्रों पर के 100 वैक्सीनेशन बूथ्स जो हैं, सेंटर्स जो हैं, वो बंद करने पड़े। रफ्तार किस तरह से सुस्त यहां पर हो गई, देखिए दिल्ली के दल्लूपुरा वैक्सीनेशन सेंटर से अवनीश चौधरी की रिपोर्ट। राजधानी में कोरोना संक्रमण में मामूली गिरावट आई है, मौतों का आंकड़ा 300 है जो अभी भी बेहद भयावह है। ऐसे में यह खबर आना कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी है, जो वैक्सीन है कोवैक्सीन उसका स्टॉक नहीं मिल पा रहा है, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। और इस समय हम दल्लूपुरा के एक स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर में हैं और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीन के लिए आए हुए हैं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कोवैक्सीन ना होने की वजह से दिल्ली के 17 वैक्सीनेशन केंद्र को बंद कर दिया गया है, जिसमें 100 वैक्सीनेशन बूथ चल रहे थे। और 100 वैक्सीनेशन बूथ का बंद होना जाहिर है कि ऐसे समय में जब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये समस्या कितनी बड़ी आ सकती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो गया था। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन तो आसानी से हो गया था, लेकिन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। अपॉइंटमेंट बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं हो रही थी। वी वर लाइक एक्चुअली वर्किंग फॉर इट फ्रॉम लास्ट 2 to 3 weeks, बट नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी शेड्यूल। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद जाके हम लोग को अपॉइंटमेंट मिली है, उसके बाद आज हम यहाँ आ पाए हैं। कोविड शील्ड वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध है, स्टॉक की इधर भी कमी बताई जा रही है, लगभग 2 दिन का स्टॉक बाकी है। अगर कोवैक्सीन की कमी की वजह से जाहिर है कि कोविड शील्ड में भी कमी आएगी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन और जो अपॉइंटमेंट मिलने की जो प्रक्रिया है वो हर किसी के लिए सरल नहीं है और उसमें मुश्किलें भी आ रही हैं। आपको किस तरह की, आपको क्या आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी? अपॉइंटमेंट में बहुत टाइम लगा है मुझे, इनफैक्ट 2 हफ्ते से मैं सुबह शाम चेक कर रहा हूँ, कभी OTP नहीं आता है, कभी स्लॉट नहीं मिलता है मुझे। इनफैक्ट मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा से मैंने, आप पेशे से बिजनेस मैन हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है मेरा अपना, और रहते हैं नोएडा में है, स्पेशली दिल्ली आकर के लिए अपॉइंटमेंट हमने ताकि हम लगवा सके वैक्सीन। नोएडा में कोई स्लॉट ही नहीं है हमारे पास लगवाने। तो जो और लोग हैं जो फ्रेंडली नहीं है नेट से, या तो उनको तो और मुश्किलें आएंगी? बिल्कुल आएंगी, इनफैक्ट खुद से तो कर ही नहीं सकते हैं, इनफैक्ट हमको सब कुछ पता होते हुए हमें 2 हफ्ते लग गए अपॉइंटमेंट लेने में, तो वही दिक्कत सबसे बड़ी है, स्लॉट ही नहीं मिलते हैं। ये केस स्टडी है, आप देख रहे हैं कि जो सक्षम लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, उनको 2-2 हफ्ते का समय लग रहा है स्लॉट लेने में, अपॉइंटमेंट लेने में। और हालांकि जब वैक्सीनेशन सेंटर पर आप आते हैं तो किसी भी तरीके की लोगों को दिल्ली में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस समय भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली का ये स्कूल है और यहाँ पर कितने प्रॉपर ढंग से, किसी तरीके की भीड़ भाड़ नहीं है, लोग आराम से यहाँ पर अपनी वैक्सीन ले रहे हैं। और दिल्ली सरकार भी दावा कर रही है कि अगर जिस तरीके से कोवैक्सीन की कमी है, अगर उन्हें प्रॉपर वैक्सीन मिलती है तो किस जो उनके जो वर्कर हैं, जो उनके संसाधन हैं, वो पूरी तरीके से तैयार हैं, वैक्सीनेशन में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। समस्या सिर्फ इस समय यही आ रही है कि वैक्सीन की कमी है, कोवैक्सीन ना होने की वजह से 17 केंद्रों को बंद कर दिया गया है। और इस समय दल्लूपुरा स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, जो यहाँ की संचालक हैं, उनसे बात करते हैं। मैम कैसा चल रहा है वैक्सीनेशन? बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों को अस्पतालों से ज़्यादा स्कूल्स पर विश्वास है। और मैं सारे विजिटर्स से बात करती हूँ, हमारा स्टाफ स्पेशली हमने ट्रेन किया हुआ है कि किसी भी विजिटर को कोई दिक्कत ना हो, और हमारे पास बड़ा क्वालिफाइड स्टाफ है जो वैक्सीनेशन कर भी रहा है। और हम बेहतरीन सुविधाएं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूल्स काफ़ी अच्छे हैं और टीचर्स का डेडिकेशन देखने वाला है। मैम वो हम भी देख रहे हैं कि जो यही स्कूल नहीं और भी अन्य स्कूल अच्छे इंतजाम है, लेकिन अब जो एक बड़ी समस्या आ रही है वैक्सीन की कमी की वजह से आ रही है, कोवैक्सीन ना होने से 17 केंद्र बंद हो गए हैं, आपके यहाँ कोविड शील्ड लग रही है, इसकी क्या स्थिति है, क्या स्टॉक की कोई कमी जैसी बातें आ रही है? अभी थोड़ी कमी लग रही है, जैसी जैसी आती है वैसे वैसे हम लगाने की व्यवस्था करते हैं। और मेडिकल स्टाफ हमारे साथ है, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, जब वो लेके आते हैं उसी हिसाब से हमारा सेंटर चल पा रहा है, कमी है। स्कूल की और एक और शिक्षिका हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम किस तरह की अरेंजमेंट है, क्या कोई कमी लगती है, लोगों को रजिस्ट्रेशन में और अपॉइंटमेंट लेने में परेशानी आ रही है? जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी जब लोगों से बात की तो हमारे सामने यही व्यूज़ आए कि रजिस्ट्रेशन में लोगों को दिक्कत आ रही है, बट एक बार स्कूल में एंटर होने के बाद वैक्सीन लगवाने तक लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं कि हाँ, स्कूल्स के अंदर जो वैक्सीन सेंटर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चलाए जा रहे हैं। तो आपने ये देखा कि दिल्ली के जो वैक्सीनेशन केंद्र हैं, खासकर जो स्कूलों में चल रहे हैं,
वहाँ बेहद अच्छे इंतजाम हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो लोगों को स्लॉट बुक करने में आ रही है, अपॉइंटमेंट बुक करने में आ रही है। लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। लोगों को 5-5 दिन के लिए स्लॉट नहीं है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब वैक्सीन आए तो वह भी इस वैक्सीन को लेके कोरोना से जंग में सहायक बने। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।